अगर मुझे कोई लड़का छेड़ेगा मैं पुलिस को फोन करूंगी, क्योंकि पूरे दिन में 10 लड़के छेड़ते हैं मुझे, 10 लड़के देखते हैं मुझे घूर के। मैं आए दिन जाती हूँ, मुझे 10 लड़के देखते हैं, क्या 10 जगह वो पुलिस वाले आ सकते हैं? तो मैं पुलिस को फोन करूंगी। थैंक यू यार, आप लोगों ने मेरे लिए इतना किया। मुझे यहाँ पे इंसाफ नहीं मिलेगा तो मैं नरेंद्र मोदी जी के सामने भी जाके खड़ी होंगी। मैंने उनको मेल डाला है, मेरे जैसे हजारों लोगों ने उनको मेल डाला है मेरे थ्रू, पर उनका कोई रिप्लाई नहीं है। कहाँ है अभी तक उनका कोई भी, मुझे नहीं लगता कि कोई भी ट्विटर या कुछ भी कोई मैसेज आया है उस लड़की के लिए। क्यों चुप लगा के बैठे, केजरीवाल जी कहाँ हो? मोदी जी तो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आपको क्या लगता है मोदी जी क्यों पढ़ाओ और क्यों बचाओ? बचा तो आप रे नहीं हो, पढ़ा के क्या करोगे? पढ़ा के जब वो डॉक्टर बन जाएगी तो उसी के साथ रेप हो जाएगा, उसी को जला दिया जाएगा, जो जान बचा रही है दुनिया की उसको जला दिया जाएगा। दिल्ली में जिस तरह से कहा जा रहा है कि महिलाओं को सुरक्षा दी जा रही है, आप उस पर क्या कहेंगे? आपको क्या लगता है सुरक्षा नहीं दी जा रही दिल्ली में? अगर महिलाएं दिल्ली में ही नहीं सर, आप तो इंडिया के लिए बैठे हो ना मोदी जी, आप तो इंडिया के लिए बैठे हो, दिल्ली में ही क्यों, इंडिया में क्यों नहीं? और दिल्ली में क्या रेप नहीं हो रहे? दिल्ली में रेप्स नहीं होते? हरेसमेंट रेप से कम नहीं है? अगर हमें हरेस किया जा रहा है तो वो रेप से कम नहीं है? हमें गंदी नज़रों से देखा जा रहा है, वो रेप से कम नहीं है? अभी कुछ दिनों पहले प्रोटेस्ट के लिए एक महिला आई थी, लेकिन पुलिस वालों ने उसे ही उठा के आप ले गए थे, तो आपको क्या लगता है आपके साथ भी ऐसा होगा कुछ? या कोई बात नहीं, अगर पुलिस वाले मुझे उठा के ले जाएंगे तो ये लोग यहाँ पे क्यों हैं? अगर मैं आज यहाँ पे अकेली आई थी और आज मेरे साथ इतने सारे लोग हैं, अंकल आपको क्या लगता है पुलिस वाले मुझे ले जाएंगे, आप जाने दोगे? नहीं लेके जाएंगे। अब पुलिस वाले क्यों लेके जाएंगे मुझे? क्यों लेके जाएंगे? मैं अपने हक के लिए खड़ी हूँ, जंतर मंतर मैं अपने हक के लिए खड़ी हूँ, और अगर मुझे यहाँ पे इंसाफ नहीं मिलेगा तो मैं नरेंद्र मोदी जी के सामने भी जाके खड़ी होंगी। मैंने उनको मेल डाला है, मेरे जैसे हजारों लोगों ने उनको मेल डाला है मेरे थ्रू, पर उनका कोई रिप्लाई नहीं है। कहाँ है अभी तक उनका कोई भी, मुझे नहीं लगता कि कोई भी ट्विटर या कुछ भी कोई मैसेज आया है उस लड़की के लिए। क्यों चुप लगा के बैठे, केजरीवाल जी कहाँ हो? मुस्लिम अगर गाय खा रहे हैं तो ये हो रहा है, तो यार आदमी तो जिंदा खा रहे हैं, औरतों को खा रहे हैं, औरतों को खा रहे हैं वो लोग, तब क्या होगा? वो तो जानवर ही पे उतर आए हैं, उनके लिए कौन क्या कर रहा है? मुझे सिर्फ इतना जानना है कि मुझे ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मुझे और किसी से कुछ बात नहीं करनी। सॉरी गाइस, अनु के साथ जो भी हुआ, अगर आप लोगों को इतना ही सपोर्ट करना है तो अनु का करो ना। कहाँ है अनु, मुझे क्यों नहीं दिख रही वो यहाँ पे? क्योंकि पुलिस वाले उसको उठा के ले जाते हैं, क्योंकि वो सच बोलती है, उसकी दोस्त है वो अपनी दोस्त के लिए निकली है यहाँ पे। अकेले प्रोटेस्ट पे आई है? मैं अकेले आई हूँ बिकॉज मेरे को अकेले पहले अपनी जान तो बचा लूं। अच्छा एक क्वेश्चन और है मेरा आपसे, जब भी किसी लड़की के साथ रेप होता है या उसके साथ कुछ दुष्कर्म होता है तो उसको कहा जाता है कि उसकी गलती थी क्योंकि वो कपड़े ऐसे पहनती है या वो रात में देर से निकलती है। हमारी है गलती, हमारी है। बॉलीवुड वालों को क्यों नहीं समझा रहे? मनीष मल्होत्रा कहाँ है? सारे डिजाइनर्स कहाँ हैं जो कपड़े बनाते हैं? सर एक बात बताइए, सिगरेट के लेबल के ऊपर लिख दिया जाता है कि वो कैंसर हो सकता है, आप उसे बना क्यों रहे हो? दारू के ऊपर लिख दिया जाता है लोग दारू पी के मर रहे हैं, दारू बैंड हो जाती है, आप बना क्यों रहे हो? आप छोटे कपड़े बना क्यों रहे हो? आप बॉलीवुड को दिखा क्यों रहे हो? टीवी वाले हमें दिखा क्यों रहे हो छोटे कपड़े पहन के? हमें सिखा रहे हैं वो फैशन शो क्यों बनाया गया? हमें मेकअप क्यों सिखाया गया? आप छोटे कपड़े पहन के हमें दिखा रहे हो? दिस इज अ स्टाइल, डब्लू, जारा, इतने सारे शोरूम बनाए क्यों गए? क्यों खर्चा हो रहा है अगर हम कपड़े ना पहने वैसे तो? कंपनियां बंद हो जाएंगी गाइस, बंद कराओ उसे, आप लोग बंद करा दो हम छोटे कपड़े पहनना। अभी तो मैंने फुल पहने हैं ना, तो आपको क्या लग रहा है इसमें मेरा रेप नहीं होगा? प्रियंका रेड्डी ने क्या छोटे कपड़े पहने थे? वो भी तो एक सूट सलवार में थी, एक इंडियन ड्रेस में थी, फिर भी उसके साथ ऐसा हुआ। मैं आज उनकी मॉम डैड को भी ये बात बोलना चाहती हूँ कि आंटी जो आपकी बेटी के साथ हुआ वो आप किसी के साथ नहीं होगा, हम खड़े हैं उसके लिए, हम उसके लिए इंसाफ मांगेंगे। कहते हैं कि जब कि अगर किसी कोई लड़की किसी चीज में फंसती है तो उसको पुलिस को पहले फोन करना चाहिए, जब पुलिस को फोन किया जाता है ठीक है पहले चलिए मानते हैं पुलिस को फोन करना चाहिए। मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ, आपके घर में सबके घर में माँ बहन बेटियाँ हैं, अगर आज से लेकर कभी भी, मैं मानती हूँ हमारी गलती है कि हमने पुलिस को, प्रियंका की गलती है पुलिस ने फ़ोन नहीं किया, बट मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, अगर मैंने पुलिस को फ़ोन नहीं किया ठीक है, इस मेरी मिस्टेक है, कल से मैं पुलिस को फ़ोन करूँगी। अगर मुझे कोई लड़का छेड़ेगा मैं पुलिस को फ़ोन करूँगी, क्योंकि पूरे दिन में 10 लड़के छेड़ते हैं मुझे, 10 लड़के देखते हैं मुझे घूर के। मैं आए दिन जाती हूँ, मुझे 10 लड़के देखते हैं, क्या 10 जगह वो पुलिस वाले आ सकते हैं? तो मैं पुलिस को फोन करूंगी। थैंक यू यार, आप लोगों ने मेरे लिए इतना किया, पुलिस वाले मेरे लिए इतना कर रहे हैं। सर अगर 10 जगह वो मेरे साथ आ सकते हैं, वो एक एक्शन नहीं कर सकते?
एक रूल नहीं बना सकते उन लोगों के लिए? एक एक्शन एक रूल बना दो, ये मंजूर नहीं है। पर 10 जगह 10 पुलिस वाले आ सकते हैं मोदी जी, पहले एक तो बताओ 400 पुलिस वालों, 400 लोगों के लिए एक पुलिस वाला है, जोड़ के तो देखो आप। कैलकुलेशन करने बैठ गए ना, तो तुम सबके लिए एक पुलिस वाला है, एक पुलिस वाला कहाँ कहाँ जाएगा? मोदी जी की भतीजी का पर्स चोरी हुआ था तो पुलिस ने बड़ी जल्दी काम कर दिया था। वो मोदी जी की भतीजी थी ना, मोदी जी का परिवार तो है नहीं, भतीजी का ही पर्स चोरी हो गया था। मोदी जी को तो उस दिन पता चलेगा जब उनकी भतीजी बाहर निकलेगी, जब दरिंदगी से लोग उसे देखेंगे। पॉलिटिक ने, आपको पता है कभी फिल्म स्टार पॉलिटिक नेता ये सबके ना बच्चों के साथ ये सब नहीं होता, पता है क्यों? स्ट्रगल नहीं देखा होता ना। हम तो नीचे से ऊपर उठते हैं, वो तो ऊपर ही ऊपर उठ जाते हैं। हम तो नीचे से ऊपर उठने की कोशिश करते हैं, वो तो ऊपर ही जाते हैं ना ऑलरेडी। हमारे माँ बाप ने हमें विरासत में नहीं दी। मैं आज आप लोगों को बताऊंगी, मैं अपने माँ बाप से 2 साल से लड़ रही हूँ अपने काम के लिए, और आज स्टैंड लिया है मैंने अपने काम के लिए, आज स्टैंड लिया है अपने काम के लिए। मैं ट्रैवल करती हूँ आए दिन, मेरी हर महीने फ्लाइट्स होती है, मैं ट्रैवल करती हूँ, कभी रांची कभी दिल्ली कभी ये कभी पटना, कहीं भी, हैदराबाद बैंगलोर कहीं भी। बट एक जो लेट नाइट, कभी मेरी फ्लाइट लेट हो जाए, कभी मेरा मुझे कैब ना मिले, तो फिर मैं क्या करूँगी? मतलब मैं तो ख़त्म हूँ ना, क्योंकि आप लोगों ने कोई रूल रेगुलेशन नहीं बनाया, आप लोगों ने चीज़ें नहीं बनाई। पुलिस वाला आ सकता है क्या? पुलिस वाला रात में 12 बजे मेरे लिए आएगा? ये पुलिस वाले जो 200-200 रुपए में बिकते हैं, ये पुलिस वाले। अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।